हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद ठाकुर आपके मेरे चैनल बॉन्सान गार्डनिंग हॉबीज में फिर से स्वागत करता हूँ। आप जो प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, ये एलोवेरा का बॉन्साई प्लांट है जो कि मेरे पास काफ़ी समय से रखा हुआ है। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि आप कैसे एलोवेरा का बॉन्साई बना सकते हैं अपने ही घर में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो मेरे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि मैं इसी तरह के प्लांट्स के ऊपर वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एलोवेरा के बोनसाई बनाने में हम लोगों को काफ़ी समय लगता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यह एलोवेरा का प्लांट लगभग 10 साल से मेरे पास रखा हुआ है और ये इसी गमले में पॉट किया हुआ है और इसको ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। और ये काफ़ी हार्डी सकुलेंट प्लांट होते हैं, काफ़ी लॉन्ग लिविंग प्लांट होते हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं। तो हम लोग को इसको ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस कुछ केयर टिप्स है इसकी लोकेशन, इसको ऐसी जगह पर रखना है दोस्तों जहाँ पर दिन की ब्राइट लाइट आती हो। दोस्तों, इसको फुल सनलाइट में अगर आप रख दोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस इसकी जो लीफ हैं वो ब्राउन हो जाएंगे। और आप अगर इसको फिर से सेमी शेड में एरिया में ला देते हो तो फिर से इसकी जो ब्राउन लीव्स हैं वो फिर से ग्रीन हो जाएंगी। तो इसको आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका आप सॉइल चेक करते रहिए। जब आप इसका सॉइल सूख जाए तभी इस पर वाटरिंग कीजिए, नहीं तो इसमें वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये थी इसकी सॉइल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सॉइल इसका वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। आप इसका सॉइल दोस्तों एक पार्ट गार्डन सॉइल और एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट और एक पार्ट सैंड मिलाकर इसका सॉइल तैयार कर सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स एलोवेरा के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये प्लांट। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।